लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, साथ साथ पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे जो है विमेन को सिक्योर करने के लिए यूसीसी को लॉन्च किया जा रहा है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जिस पर 10 चंद्रयान 3 के बारे में पता है, जो इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी मुझे पता है। नमस्कार। पाकिस्तान के कुछ YouTube चैनल है जो पाकिस्तान रिएक्शन चैनल नाम से बने हुए हैं, जो कि पाकिस्तान का भारतीयों के प्रति क्या रवैया ये दिखाते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान भारत चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान चांद पर नहीं पहुंचा, तो यहाँ की जनता की राय क्या है और यूसीसी के बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है, ये सब चीजें से पाकिस्तान का क्या लेना देना। लेकिन इस प्रकार का कंपेरिजन करके भारत की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका 90% व्यूवर्स भारत से आता है, इस कारण इनको भारत को लुभाना पड़ रहा है और भारत की झूठी तारीफ करने पड़ रही है बार बार, जो कि भारत की जितनी जनता भारत की तारीफ नहीं करती उससे कई ज्यादा तारीफ ये कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको अभी नागरिकता दे दी जाएगी, तुरंत बुला कर जाओ हेलो नागरिकता, इस प्रकार से इतनी तारीफ कर रहे हैं, अपने देश के लोगों से लड़ ले रहे हैं, इस प्रकार से मतलब भारतीय प्रेम इनके ऊपर एकदम सर चढ़ कर बोल रहे हैं। ये भारत कर रही है कि जे जे की ये जा रही है और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए, हमारा कोई बंदा पता नहीं नहीं है। भारतीय प्रेम नहीं है जो, क्या ये डॉलर से कमा रहे हैं ना यूट्यूब के से, जो उनकी मजबूरी बन गई है भारतीयों की तारीफ करना और भारतीयों को किसी भी चीज को प्रेस करना, ये इस चीज को क्रैक कर चुके हैं कि भारतीयों को कैसे लुभाया जाता है। इस पे इन्होंने PhD कर चुकी है, ऐसे कई सारे इनके YouTube चैनल है जो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, चांद पर चले गया उनकी क्या राय है, यही सब दिखा के एक सामूहिक रूप से चूतिया काटा गया भारतीयों का। और इसमें मेन लड़कियां होती है, जो कि अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ भारत में कुछ यूथ है जो लड़की देखकर ही सब्सक्राइबर बन जाते हैं किसी के भी, सिर्फ लड़की होनी चाहिए और पाकिस्तानी लड़की है तो तुरंत, और भारत की तारीफ कर रही है तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, तो सोने पे सुहागा, लड़की और भारत की तारीफ कर रही है तो इसका तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, तो इसीलिए उनको सब्सक्राइबर गेन हो जा रहे हैं। और ये सिर्फ इनका कंटेंट क्या है, सिर्फ भारत के बारे में, भारत ये सोच रहे हैं कि भारत की दोस्ती करवा देंगे यूट्यूब का एक वीडियो बनाकर, हम भारत के प्रति एकदम भाईचारा मोहब्बत प्रेम जगाना चाहते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। और क्या हमें नहीं पता कि वहां के छोटे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, वहां छोटे छोटे बच्चे की मानसिकता क्या होती है, लेकिन ये बताने का प्रयास कर रहे हैं नहीं अभी हम यूथ जाग रहे हैं। अरे जब तुमको बचपन से ही विष पिलाया गया तो तुम क्या अमृत मुतोगे, क्या तुम नहीं मुतोगे ना अमृत, क्या मतलब एकदम सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं भारत के प्रति कि भारत अभी चांद पे पहुंच गया तो हमारा देश यहाँ है, मतलब ये क्रैक कर चुके हैं, मतलब इनको पता है कि भारतीयों को कैसे लुभाया जाता है, भारत की तारीफ कर दो, भारत विश्व का ऐसा देश है वैसा देश है, भारत की ये है वो है, इस प्रकार से भारत का सामूहिक रूप से चूतिया काटा जा रहा है और भारत धड़ल्ले से इनको व्यूवर्स दे रहा है और व्यूज दे रहा है, भारत के लोग इनको व्यूज दे रहे हैं, इनके चैनल पर जा रहे हैं और इनको क्या सोर्स बन रहा है इनका मनी का, और ये ऐसे भारतीयों को सामूहिक रूप से चूतिया बना सकते हैं। और हमारे खुद थर्की युवा भी है जो लड़की देखकर सिर्फ पहुंच जाते हैं उनके चैनल पे, ट्रैफिक बढ़ जाती है एक तरफा, लड़की हो बस तो ये ट्रैफिक बढ़ा देते हमारे युवा। बाकी पाकिस्तान को आप एकदम से चेंजेस आ गया उनके व्यवहार में, ये आप सोच सकते हो, ये एक मतलब सोची समझी एक प्लानिंग है, जो कि मतलब एक अपने पैसा कमाने के लिए भारतीयों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। क्या उनके वहाँ इंटरनेट ही नहीं है लोगों के पास, तो क्या घंटा देखेंगे वहाँ के लोग, तो भारत के लोग मेन टारगेट है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए भारत को लुभाने के लिए पाकिस्तान को नीचा दिखाकर डिग्रेड करके ये भारत को अच्छा दिखाकर यहां से व्यूज गेन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के पास इंटरनेट नहीं है और इनको मेन सोर्स मिल गया है क्या, इंडिया, इंडिया से हमें तुरंत पैसा अच्छे खासे व्यूवर्स गेन कर सकते हैं, इसलिए इनको मजबूरन भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। जितने भी देखना जितने भी यूट्यूबर्स है वो भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, आप क्रिकेट में देख लो तो कोहली कोहली कोहली, और किसी भी चीज में देख लो तो ऐसा तारीफ करेंगे ऐसा तारीफ करेंगे, ऐसा लगता है कि अरे ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के लोग है जो मतलब कर रहे हैं, तारीफ करते नहीं थक रहे, क्यों, ये पैसा है ना बाबू हर चीज करवा देता है, तो यही पैसा उनको मजबूरन भारत की तारीफ करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। थोड़ा सोचे समझे कि किस देश में किस देश की वीडियो देखकर हम किसको आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं, यह हर जगह नहीं पहुंच जाना कि नहीं भारत की बात कर रहा तो अच्छा ही कर रहा होगा, उसके पीछे की मंशा भी समझनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान अगर पैसा कहीं से भी कमा रहा तो खर्चा तो पाकिस्तान में ही करेगा ना, अल्टीमेट पाकिस्तान में ही पैसा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वहां पाकिस्तान बाहर से कमा के पाकिस्तान में खर्चा नहीं कर रहा है, वो दूसरे जगह खर्चा कर रहा है, कर तो पाकिस्तान में ही रहे ना, तो वहां की आप किसी भी तौर से एक फंडिंग तो कर ही रहे हो ना, उनको एक पैसा कमाने का सोर्स तो दे ही रहे हो ना,
हम लोग पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करना है ताकि हमारे देश में ऐसे आतंकवादी घटनाएं ना हो। लेकिन हमारे कुछ नौजवान हैं जो लड़की देखकर फिसल जाते हैं और भारत की वाहवाही सुनकर एकदम पिघल जाते हैं कि भारत की वाहवाही सुन लिए तो अब क्या ही होगा। ऐसा लग रहा है कि तुरंत मतलब भारत की वाहवाही सुनकर एकदम हर भारतीयों का दिल वो हो जाता है। लेकिन इसके पीछे की मंशा समझनी पड़ती है। ये एक हनी ट्रैप की तरह यूज करते हैं, ये क्रैक कर चुके कैसे भारतीय को लुभाया जाता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किसको देखना चाहते हैं किसको नहीं देखना चाहते हैं। बस हमारी एक वो थी कि हम आपको बता दें कि आप किस और अपने एक वीडियो देखना, आपको कैसे उनको आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाता है आपका एक वीडियो देखना उनको। तो बस पाकिस्तान को किसी भी रूप से आपको आर्थिक फंडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको स्वयं तय करना है कि आपके या सैनिकों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसे लुभाने वाले वीडियो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र है देखने के लिए। बाकी आप अगर आप हमारे बात से सहमत है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।